नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मल्टीटेक पे। यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे miui12 के टॉप टू थीम्स के बारे में। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल। दोनों थीम बेस्ट होंगे, डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अपने पहले थीम से। हमारे फर्स्ट थीम का नाम है इम्पटी। जी हाँ बिल्कुल, इसका नाम इम्पटी ही है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है हमें, इसके नाम की तरह ये खाली नहीं है। ये 13.7 MB का एक लाइट वेट थीम है जिसके डिजाइनर लॉरा 2014 है। तो चलिए इसके फीचर्स को जानने के लिए हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आइकन्स मिल जा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट आइकन्स मिलते हैं हमें डेफिनेटली, जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। नियॉन टाइप का आइकन मिल जाता है इसका, जो कि एक अलग सा लुक दे दे रहा है हमारे इस डिवाइस के। इस आइकन्स की खासियत ये है कि इसमें आउटलाइंस बने हुए आ रहे हैं और अंदर में फेड फेड सा आ रहा है, जो कि बिल्कुल एक यूनिक सा लुक दे दे रहा है डेफिनेटली। और इसका क्लॉक विडजेट नॉर्मली मिल जाता है डिफ़ॉल्ट वाला। इसका स्टेटस बार में थोड़ा बहुत चेंजेस मिल जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नेटवर्क आइकन्स और बैटरी वगैरह में चेंजेस मिल जाता है हमें। इसके कंट्रोल सेंटर की बात करें तो डेफिनेटली इसका कंट्रोल सेंटर वन ऑफ द बेस्ट मिल जाता है हमें। और हम इसके नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो ये डिफ़ॉल्ट वाला ही मिलता है, यहाँ पर कोई खास चेंजेस नहीं मिलते हैं हमें। और डायल पैड की बात करें तो भाई साहब डायल पैड चेंज होता हुआ मिल जाता है हमें, बिल्कुल iOS से इंस्पायर्ड ये मिलता है, जो कि एक अलग सा लुक दे देता है डेफिनेटली हमारे इस डिवाइस को। और इसके मैसेजिंग ऐप की भी बात कर लें, जब कर ही रहे हैं तो इसका मैसेजिंग ऐप भी फुल्ली चेंज हो जाता है, इसमें भी काफ़ी कुछ हमें चेंज मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लें इसके सेटिंग्स पैनल की, करें या ना करें। नहीं, इसका सेटिंग्स पैनल भी फुल्ली चेंज हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके UI में काफ़ी चेंजेस आया है, जहाँ की सेटिंग्स का सेक्शन और सर्च सेटिंग अलग हो चुका है और बाकी सब सेपरेट सा सेटिंग हो चुका है इसमें। और आइकन्स भी चेंज हो चुके हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे डेफिनेटली। और अगर हम इसके अबाउट सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं मिलता हमें, ये डिफ़ॉल्ट वाला ही मिल जाता है, ये नॉर्मल ही है। और बात करें इसके बैक जेस्टर की तो देख सकते हैं आप लोग इसका बैक जेस्टर भी चेंज हो जाता है, जो कि बिल्कुल एक अलग सा लुक दे दे रहा है डेफिनेटली। टाइम आ गया इसके लॉक स्क्रीन को देखने का, तो चलिए देख लेते हैं। इसका लॉक स्क्रीन मिनिमल सा मिल जाता है, यहाँ कुछ खास चेंजेस नहीं मिलते हैं, वही टिपिकल miui12 के लेआउट वाला क्लॉक मिल जाता है, बाकी सब चीज़ यहाँ पे भी नॉर्मली मिलता है, कोई खास फीचर्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें अब अपने अगले थीम की तो चलिए देख लेते हैं हम अपने अगले थीम को। हमारे अगले थीम का नाम है 2Color 6 Version 12, जिसके डिजाइनर कॉस्टेनियो है। ये 35.1 MB का एक थीम है। मैं 2Color वाला थीम का एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन ये दूसरा है। इसमें लॉक स्क्रीन में थोड़ा डिफरेंस मिलता है और कंट्रोल सेंटर भी डिफरेंट मिलता है पिछले वाले से। तो चलिए हम इसे अप्लाई करके देख लेते हैं इसमें क्या कुछ चेंजेस है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें कई सारे चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे वॉलपेपर में भी कुछ ऐड कर दिया गया अलग सा, डबल टैप करने से चेंज भी होता है वॉलपेपर। यहाँ पे डबल टैप करने से कई सारे बेस्ट वॉलपेपर इसमें मिल जाते हैं हमें, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और अगर हम बात करें अब इसके क्लॉक विडजेट की तो डेफिनेटली इसका क्लॉक विडजेट हमें अलग से लुक के साथ आता है, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इसके स्टेटस बार में भी थोड़े बहुत चेंजेस मिल जाते हैं, खास चेंजेस तो नहीं है। इसका आइकन्स वही नॉर्मल वाला ही है जो पिछले वाले थीम में था, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं मिलते हमें। और अगर इसके कंट्रोल सेंटर की बात करें तो डेफिनेटली इसमें कंट्रोल सेंटर ट्रांसपेरेंट सा मिलता है और टाइल्स में भी वॉलपेपर मिलते हैं, जो कि यूनिक सा लुक दे देता है इस थीम को और इस डिवाइस को। और अगर हम इसके नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन पैनल में भी बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, जो कि बिल्कुल एक अलग सा लुक दे देता है डेफिनेटली। इसके डायल पैड की बात करें तो ये भी चेंज होता हुआ मिल जाता है हमें, जहाँ पे रेड एंसेंट के साथ मिलता है हमें, जो कि ठीक ठाक लुक प्रोवाइड कर देता है। अब आ गया टाइम इसके मैसेजिंग ऐप को देखने का, तो चलिए देख लेते हैं इसके मैसेजिंग ऐप को। यहाँ पे कोई खास चेंजेस तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एंसेंट में चेंज मिल जाता है हमें, बाकी इसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं मिलते हैं। और अब टाइम है सेटिंग्स को देखने का, तो चलिए देख लेते हैं इसके सेटिंग्स पैनल को। इसके सेटिंग्स में कुछ खास चेंजेस तो नहीं मिलते, हल्का फुल्का चेंजेस मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में बार आ चुका है सभी सेटिंग्स के आगे, बाकी इसमें कोई खास चेंजेस नहीं मिलते। इसके अबाउट सेक्शन में भी सिर्फ ये miui12 उल्टा लिखा हुआ रहा है, आई गेस ये miui13 को रिप्रेजेंट कर रहा है मे बी, जो कि बिल्कुल एक ठीक ठाक लुक दे देता है, कुछ खास चेंजेस नहीं मिलते हैं इसमें डेफिनेटली।
और अब बात करें इसके लॉक स्क्रीन की फाइनली, तो चलिए देख लेते हैं इसके लॉक स्क्रीन को। तो ये रहा इसका लॉक स्क्रीन जो कि फुल्ली चेंज है, वन ऑफ द बेस्ट लॉक स्क्रीन मिल जाता है इसका, जो कि पर्सनली मुझे पसंद आया। डार्क मोड टाइप का ये मिल जाता है, यहाँ पे कई सारे आइकन, स्टाइल, शॉर्टकट्स, क्लॉक, कैलेंडर, काफ़ी कुछ मिल जाता है जो कि डेफिनेटली आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ मिल जाता है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है वॉलपेपर चेंज करने का सेक्शन, जैसे कि देख सकते हैं अगर यहाँ पे स्वाइप करें इसे तो ये चेंज हो चुका है इसका वॉलपेपर, और एक वॉलपेपर मिल जाता है। ये थोड़ा लैग करता है लेकिन ये काम जरूर कर जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें कई सारे वॉलपेपर भी मिल जाते हैं जो कि डेफिनेटली इस थीम को एक वन ऑफ द बेस्ट थीम बना देता है, और इसके लॉक स्क्रीन को चार चांद लगा देता है। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके इन थीमों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।